दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि लकवे में हमारे शरीर के जो अपर पार्ट है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट मूवमेंट जल्दी से मिल जाती है, लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं टांगों का तो वहां पर मूवमेंट बहुत स्लो होती है या काफी देर में देखने को मिलती है, जिस वजह से एक व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता है और ये उसकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है या ये कहा जाए कि किस तरीके से टांगों में जान और मूवमेंट जल्दी लाई जा सकती है ताकि हमारा पेशेंट ठीक हो सके, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में पेशेंट कर जाता है जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट उसे जल्दी देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहली चीज, जब भी किसी को लकवा होता है यानी पैरालिसिस होता है तो वो या तो राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि वो हाफ बॉडी में होता है। और जब किसी को भी लकवा होता है तो उसका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उसका आधा शरीर तो वो कर रहा होता है लेकिन आधा शरीर काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से उठना, बैठना, हिलना, डुलना, इवन खाना खाना उस व्यक्ति के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। बट कुछ समय बाद पेशेंट के अंदर काफी अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जब वो प्रॉपर मेडिसिन्स, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं तो। लेकिन ये इंप्रूवमेंट टांगों में देखने काफी देर में मिलता है या ये कहा जाए उसकी स्पीड काफी स्लो होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब व्यक्ति हिल डुल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो अपनी शुरुआती एक्सरसाइज में या ये कहा जाए जब आप फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं तो वहां पर आप जो एक्सरसाइज करते हैं लेग्स की एक्सरसाइज, वो लेट के करते हैं। लेट के एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है कि आपकी टांगों में मूवमेंट तो आ जाती है। अक्सर जब पेशेंट भारत होम्योपैथी में आते हैं तो अपने डॉक्टर से ये कहते हैं कि सर, जब हम लेट के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी टांगों की मूवमेंट काफी हद तक होनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं खड़े होने की तो वहां पर हमारी मूवमेंट नहीं हो पाती है, हम शेक होते हैं या हम बैलेंस नहीं बना पाते, हम गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप लेट के कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो मसल्स काम कर रही हैं वो सारी मसल्स काम नहीं कर रही। सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी पूरी बॉडी की सारी मसल्स लगभग वर्क कर रही होती हैं, आपके बैलेंस संभालने में, मूवमेंट लाने में। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि एक व्यक्ति जब लेट के एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी बॉडी में, उसके लेग में खासतौर पर मूवमेंट तो आई, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति खड़ा होता है तो वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं आ पाती है, क्योंकि लेग्स की सभी मसल्स को प्रॉपरली कैसे कोऑर्डिनेशन में वर्क करना है ये नहीं सिखाया गया उन एक्सरसाइजेस के थ्रू, या ये कह सकते हैं उन एक्सरसाइज के थ्रू जो आप लेट के करते हैं हमारी मसल्स इस लेवल तक ट्रेन नहीं हो पाती कि वो हमारी बॉडी का भार संभाल ले और हमें चलने में हेल्प करे। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, हमें करना क्या चाहिए। हमें सबसे पहली चीज, जब आप देखें पेशेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, तो आपको उसी समय से यानी जब आप फिजियोथेरेपी कराते हैं वहां पर तभी से आपको पेशेंट को चलवाने में हेल्प करना है, क्योंकि जो आप सिखाना चाहते हैं, जो आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं अपनी बॉडी को उसी के लिए ट्रेंड करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा रनिंग करना सीखना चाहता है तो क्या हम उसे रोज जॉगिंग करवाएंगे? क्या हम उसे सिटअप्स लगवाएंगे? नो। हम किसकी एक्सरसाइज कराएंगे, उसे क्या प्रैक्टिस कराएंगे? रनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। इन द सेम वे, जब हम अपने पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसके चलने में, तो हमें शुरू से क्या एक्सरसाइज करानी है? चलवाने की। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं शुरुआत में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है, पैर घिसेड़ के चलना पड़ता है, लेकिन जब आप शुरुआत से ही उन्हें हेल्प करेंगे इस तरीके की एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनकी बॉडी डे वन से ही ट्रेनिंग पाएगी किस चीज के लिए, सभी मसल्स कैसे वर्क करेंगी, पूरी बॉडी के भार को संभालने में। तो इसीलिए हमें क्या एक्सरसाइज करानी है, उन्हें खड़े होके, उन्हें सहारा देके उन्हें चलवाना है, ताकि जब आप उन्हें चलवाने की एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी लेग्स और उनके लेग्स की सारी मसल्स उसी लेवल पर ट्रेंड होंगी और वो पेशेंट काफी अच्छे से चलना सीख जाएगा बहुत ही जल्दी। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक्सरसाइज आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकता है।
यहाँ पर एक सही ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि पैरालिसिस में हमारे दिमाग को दोबारा ट्रेनिंग दी जा रही होती है। तो मेडिसिन कैसी चाहिए जो हमारे दिमाग को, यानी हमारे दिमाग में जो प्रोसेस चल रहा है न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसको बूस्ट करे, और इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट होती हैं। साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये कंज्यूम करने में यानी खाने में बड़ी आसानी से खाई जा सकती है। और एक और खास बात कि ये समस्या की जड़ पर जाकर काम करती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। हो सकता है इस टाइम आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आप अभी फोन उठाएं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और फ्री ऑफ कॉस्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें। जो भी आपका सवाल है डायरेक्ट आप उनसे पूछें और अपने सवालों का सही समाधान और जवाब